दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली मैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो एक चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, जब तक वो तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं उनका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, उसको भूल जाते हैं। जब वो इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट पढ़ लेते हैं और जैसे वो फिजिकल पढ़ते हैं तो जब फिजिकल पढ़कर निमटते हो जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाती है, ये प्रॉब्लम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 95% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है, अधिकांश स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है। और मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो कि एक बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और बहुत कम समय में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट तो कर ही पाओगे, साथ के साथ आप उसको भूलोगे भी नहीं। मतलब आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। बस आपको फॉलो जरूर करना है, जो जो मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको आपको अप्लाई जरूर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ उनको भी हो सके। और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहां पर इसके अपन शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए स्पेशली बेसिकली मैं बात करूंगा हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। एक्चुअली शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर ही मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सारा सिलेबस एक साथ कैसे याद रहेगा, कम से कम समय में आप अच्छी इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करोगे, कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना कैसे बढ़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर मैं आपको समझाऊंगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। सपोज करो आपको केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो देखो ध्यान देना भाई, अगर आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की पूरी केमिकल काइनेटिक्स की बात करोगे तो केमिकल काइनेटिक्स काफी बड़ी है, 70-80 पेज से लेकर 100 पेज तक के उसके फुल नोट्स बनेंगे। अब देखो एक बात समझने की हमेशा आप कोशिश करना, देखो ध्यान देना, आप जिस भी चैप्टर को पढ़ो उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाना। शॉर्ट नोट्स के अंदर एक्चुअली आपको क्या लिखना है, की पॉइंट्स लिखने हैं। तो जब आप 70 से 100 पेज की जो पूरी केमिकल काइनेटिक्स होगी उसके जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उनमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स होंगे वो निकल कर आ जाएंगे और मुश्किल से 2 से 3 पेज के बने। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 90% 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो बताइए इस रिएक्शन को 99.99% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता है कि के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले की आवश्यकता है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं हो, आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है लेकिन आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया, तो बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? आप इस क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, सुबह से शाम हो जाएगी आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो। लेकिन अगर आपको यह फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन कुछ ही सेकंड के अंदर, 30 से 35 सेकंड के अंदर या विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने और शॉर्ट नोट्स के अंदर एक्चुअली की पॉइंट्स आपको लिखने। की पॉइंट्स क्या है? आपको ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे बिंदु आपको लिखने जिनके बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जिनको अप्लाई करके अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या जिनको अपन बार बार भूल जाते हैं, उन चीजों को आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है और शॉर्ट नोट्स को आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे यहां पर अपन केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं केमिकल काइनेटिक्स को यहां पर बता रहा हूं, आपको हर चैप्टर के इसी तरह से बनाने हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, कैसे होती है, वो सब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लॉन्ग नोट्स के पार्ट है, समझ में आ रहा है, वो लॉन्ग नोट्स के पार्ट है, शॉर्ट नोट्स में सब लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेज 4 पेज में आ जाने चाहिए, इससे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको ये कंटिन्यू रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो अब केमिकल काइनेटिक्स में जैसे सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया रेट, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है। और इसकी यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड होती है। ये तो सिंपल सॉल्यूशन वाली रिएक्शन के लिए हो गए, एक गैसेस रिएक्शन के लिए हो गए, ये सभी ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, मतलब चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, बस आपको ये लिखना है। यहाँ पर देखो सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, ये टाइम टेकन है, क्यों, क्योंकि वो सबके सब लॉन्ग नोट्स का पार्ट है, शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल समराइज फॉर्म में लिखना है ताकि आप उनको कंटिन्यू रिवाइज कर सके, मेन मेन की पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर यू बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बढ़ती है,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्लस लगाते, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटते, इसलिए रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर माइनस लगाते। सब लिखने की जरूरत नहीं शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तब बनते हैं जब आप पहले एक बार अच्छे से मेहनत कर चुके, मतलब जब आप लॉन्ग नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो, उसी समय जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो साथ के साथ ही तुरंत आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, मेन मेन की पॉइंट्स को वहां से लिख लो। क्लियर है? अब जैसे रेट इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे एक केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल लिया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटते तो माइनस आ गया, प्रोडक्ट की बढ़ते तो यहाँ पर प्लस आ गया, इसकी रेट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पर अपन क्या बता सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए है, रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन मेन चीजें लिखनी है जिनके बेसिस पर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, आपको याद रखने का की पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो अपन कंसंट्रेशन काम में लेते हैं, मोल पर लीटर में यहाँ पर काम में ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर मोल काम में ले सकते हो, मिली मोल काम में ले सकते हो, एटसेट्रा, लेकिन अगर ग्राम या किलोग्राम में क्वांटिटी दे रखे तो आप काम में नहीं ले सकते, आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, है ना। तो आपने, क्योंकि हमको इस चीज को याद रखना जरूरी है, हमारी मेमोरी में रहनी चाहिए, इसलिए अपने यहाँ पर नोट कर दिया। क्लियर है? एक बात और बता देता हूं भाई, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होंगे, आपको अपने फ्रेंड की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस अलग है, हर स्टूडेंट के लिए वो चीज अलग है जो उसको याद रखनी, इसलिए आपको ये अपने खुद के बनाने हैं। ठीक है, रेट लो की बात करें, रेट लो आप यहाँ पर लिख ही सकते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शन यहाँ पर दे रहे, किसी रिएक्शन में यहाँ पर आर इक्वल के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, जिसमें अपन को याद रखना है कि यहाँ पर जो ये है ए के पावर एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू एन वन के इक्वल हो सकती है, एक्स की वैल्यू या नॉट इक्वल भी हो सकती है, वाई की वैल्यू एन टू की इक्वल हो सकती है या नॉट इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों का जो सम है, एक्स प्लस वाई का सम, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ये आपको पता है। यूनिट ऑफ के की बात करें तो अपन को पता है कि जैसे आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आए एग्जाम में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, सेकंड के क्या होगी, थर्ड ऑर्डर की क्या होगी, तो आपको भाई फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये होगा, फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का होगा, थर्ड का ये होगा, वो जिस भी ऑर्डर का होगा तुरंत यहाँ पर एन की वैल्यू रखो और उसकी यूनिट आ जाएगी, उसके रेट कॉन्स्टेंट की यहाँ पर यूनिट आ जाएगी, मतलब मेन मेन की पॉइंट यहाँ पर आपको रखना है। अगर अपन लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो के इक्विलिब्रियम इक्वल क्या होता है, के एफ अपॉन के भी इक्वल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो एक्सपेरिमेंटल रेट लो होता है उसमें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक रिएक्टेंट में स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट को अपने एक्सेस में ले ले तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाता है। मेन मेन चीजें लिखने, की पॉइंट लिखने हैं, सारी रामायण यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, केवल वही पॉइंट लिखने हैं जिसके बेसिस पर सॉल्व होते हैं। और बाकी सपोर्ट करो, आपके दिमाग में से बात की कुछ मिस भी हो जाए तो आपको फिर लॉन्ग नोट्स वहां पर फॉलो कर लेने, क्योंकि वो आपके पास है तो वापस ये ताजा हो जाएगा। और इनको आपको कंटिन्यू जरूर रिवाइज करना है ताकि कोई भी फॉर्मूला आपके दिमाग से नहीं। जैसे रेट इक्वल क्या होता है, के पावर सी के पावर एन, तो यहां पर इसी से अपन आर वन अपॉन आर टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू के पावर एन। यहाँ पर जब कंसंट्रेशन के साथ रेट में परिवर्तन दिया जाता है तो उसके बेसिस पर ऑर्डर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, देखो सरफेस एरिया रेट के प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हाँ, जैसे इस तरह से क्वेश्चन, एक रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट इतना है, यदि 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कॉन्स्टेंट इतनी तो बताइए 20 पर कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी से आप सोल्व कर पाओगे। तो की पॉइंट आपको याद रखने। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई क्वेश्चन हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट के बराबर होता है, के कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला एक्स बाई टी, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, टी आपका फॉर्मूला ये है। अब आपको भाई जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला तो दिमाग में आना चाहिए ना भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो क्या आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन लंबी चौड़ी पढ़ते हैं, दुनिया भर के उसमें एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इतनी सी खत्म हो गई।
जिसको अपन 5-6-7 पेज की पढ़ते हैं वो यहाँ पर इतने से में खत्म होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसी की आवश्यकता है, बाकी तो सारा का सारा प्रैक्टिस का पार्ट है और इसको आपको कंटिन्यू डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया, के का फॉर्मूला हो गया, विलहेल्म इक्वेशन हो गई, ये हो गया। साथ के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गई। बाकी तो क्या है, सबके सब प्रैक्टिस है। जैसे आपने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा, आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले आ गए, उसके बाद सीधा सीधा आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाना है, आपका काम बहुत फास्ट होगा। ध्यान देना, शॉर्ट नोट तभी आपकी हेल्प करेंगे जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ आपके समझ में आ रहा है, उसके बाद साथ के साथ शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, फिर शॉर्ट नोट्स को आप कंटिन्यू रिवाइज कर दोगे, आपकी भूलने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर आपके ये नहीं आएगा कि एक चैप्टर में पढ़ रहा हूं, जैसे दूसरा चैप्टर पढ़ता हूं पहले वाला भूल जाता हूं, आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंट ही खत्म हो जाएगी। क्यों? शॉर्ट नोट्स जो बनेंगे पूरी केमिकल काइनेटिक्स के, वो 2-3 पेज के बनेंगे, उनको आप कंटिन्यू बार बार रिवाइज कर सकते हो, सारे फॉर्मूले O2Z आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले इसी तरह से nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के लिए हो गया, RLS इक्वेशन सब जानते हो, इसी के बेसिस पर अपन एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसी के बेसिस पर ग्राफ वगैरह बनाते हैं, कोलिजन थ्योरी का मेन फॉर्मूला ये। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही तो आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से देखो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी यहाँ पर हो गया, उसका फॉर्मूला आप सपोज करो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको ये फॉर्मूला ही पता नहीं हो तो कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करोगे भाई? आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, फर्स्ट स्लो होना चाहिए, तब ऐसे ऐसे अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहाँ पर देखो आपको KIAI और EI का जो रिलेशन वो पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको के का रिलेशन दे रखा है तो इसके बेसिस पर AI और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन आप निकाल सकते हो। इसके लिए सीधा सीधा तरीका है, के और ए का रिलेशन सेम होता है, अगर के में कहीं पर मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस बना देते हैं, डिवाइड हो तो माइनस बना देते हैं, पावर हो तो पावर को आगे लिख देते हैं। ये मेन चीजें हैं जिसके बेसिस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। तो सपोज करो के का फॉर्मूला यहाँ पर ये है, K1 K3 स्क्वायर अपॉन K2, तो यहाँ पर A का और K का फॉर्मूला सेम होता है, बस K की जगह पर आपको A लिखना है, फॉर्मूला आ गया। EA की बात करते हैं तो जहां पर K1 है वहां पर E1 लिख दिया, मल्टीप्लाई है तो प्लस बना दिया, पावर है तो आगे लिख दिया, और ये डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। देखो यही चीज यहाँ पर लिखनी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको बेसिकली इन्हीं चीजों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट नोट, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ाते समय भी बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप साथ में जरूर बनाए, उनको कंटिन्यू रिवाइज जरूर करिए। देखो एक स्लाइड के अंदर कितना सा मैटर है, अगर इस पूरे मैटर को मैं लिखूंगा तो 2 पेज के अंदर आ जाएंगे, रजिस्टर के 2 पेज, ज्यादा ज्यादा 3 पेज के अंदर आपकी जो 70-80-90 पेज की जो पूरी केमिकल काइनेटिक्स है उसका सार यहाँ आ जाएगा। अब इनको रिवाइज करने में 5 मिनट आपको लगेंगे, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज हो गई, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, और इनको अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में परमानेंटली फीड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मैं इनको भूल जाऊं तब भी आप इनको नहीं भूल जाओ। अब दोस्तों यहां पर अगर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की बात करें तो देखो H-Code क्लासेस के बाद फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन कोर्स है बड़ा ही पावरफुल ऑनलाइन कोर्स है। यहां पर हम स्टूडेंट को उनके हेल्प के पर्पज से फ्री ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ पेड ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट केवल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहता है H-Code क्लासेज एप्लीकेशन के थ्रू तो भी कर सकता है, क्योंकि H-Code क्लासेज एप्लीकेशन पर उसका फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, जिससे वो इनमें से किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वो आपको मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उनको एक परफेक्ट पावरफुल ऑनलाइन कोर्स मिल जाए तो वहां पर वो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का पर्टिकुलर फिक्स ऑनलाइन कोर्स भी ले सकता है इनमें से किसी भी स्टूडेंट का, प्रत्येक स्टेट का इंडिविजुअल कोर्स वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके, प्रत्येक स्टेट का इंडिविजुअल कोर्स मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी भी टिल एग्जाम रहेगी, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो फुल कोर्स तो आपको कूपन कोड HGC कोटा जरूर अप्लाई करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। आप फुल कोर्स ज्वाइन नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फुल कोर्स अगर ज्वाइन करने से पहले आप फ्री ट्रायल लेकर देखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। फ्री ट्रायल जो कोर्स है उसमें फुल ऑनलाइन कोर्स का सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आप पहले पढ़कर देख सकते हो कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन कोर्स है बड़े ही पावरफुल ऑनलाइन कोर्स है, इनके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं,
नहीं, आप इनको जरूर ज्वाइन करना। आप फुल कोर्स ज्वाइन नहीं भी करो तो फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी गूगल प्ले स्टोर से एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके।